फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट आज हम इमरजेंसी सावर्स एंड आई वाशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी देखेंगे कि इमरजेंसी सावर्स एंड आई वाशर्स क्यों जरूरत होता है एक इंडस्ट्री में जनरली इमरजेंसी सावर्स एंड आई वाशर्स केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एक सेफ्टी जरूरत के हिसाब से यूज किया जाता है जब एक वर्कर एक्सीडेंटली केमिकल एक्सपोजर होता है तब सावर्स एंड आई वॉशर्स एक ऑन द स्पॉट डी के तरह काम करते हैं केमिकल एक्सपोजर इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए ये दोनों इक्विपमेंट बैकअप के तरह काम करते हैं जब एक वर्कर का आइज एंड बॉडी कॉरोसिप मटेरियल में एक्सपोजर होता है तभी इमीडिएट इमरजेंसी यूज़ के लिए सावरस एंड आई वाशर्स को यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आई एंड बॉडी परफेक्टली एंड क्विकली ड्रेंचिंग एंड फ्लशिंग होता है तो अभी देखेंगे इमरजेंसी सावर क्या होता है इमरजेंसी सावर एक पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो कि कुछ फ्लशिंग फ्लूड्स डिलीवर करता है जिसकी वजह से 15 मिनट में वर्कर्स फुल बॉडी का धुलाई ठीक से हो जाता है जो फ्लशिंग फ्लूड होता है वो ओवरहेड और फ्रॉम बोथ साइड आ सकता है सेफ्टी सावर फूट ऑपरेटेड होता है एंड ये दो टाइप का होता है जैसे कि प्लॉम्ड इमरजेंसी सावर एंड सेल्फ कंटेंट इमरजेंसी सावर तो नेक्स्ट देखेंगे इमरजेंसी आई वॉश वाशर स्टेशन क्या है इमरजेंसी आई वॉस स्टेशन एक इक्विपमेंट होता है जो कि वर्कर्स के आईज को अच्छे से धोने के लिए एडिक्वेट फ्लूइड सप्लाई करता है जो कि 15 मिनट के लिए होता है फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी एडिक्वेटली लो होता है जिसकी वजह से वर्कर्स उनके दोनों आईज को कंफर्टेबली ओपन रख के पकड़ सकते हैं इस डिवाइस में 3.0 गैलन पर मिनट में फ्लूइड डिलीवर होता है जो कि अकुलर कैविटी आईज एंड फेस को परफेक्टली वॉश कर सकता है इमरजेंसी आई वॉशर्स हैंड ऑपरेटेड होते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स सच एज टाइप्ड आई वॉश स्टेशन एंड सेल्फ कंटेंड आई वॉश स्टेशन तो अभी देखेंगे ये दोनों इक्विपमेंट को कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे हाईली एंड बंड केमिकल्स यूज होते हैं वहां पे इमरजेंसी सावर्स एंड आई वॉशर्स वर्क स्टेशन से जुड़ा रहना चाहिए और पास में रहना चाहिए अगर उस वर्क एरिया में एक से ज़्यादा वर्कर्स अफेक्टेड रहने का चांसेस रहता है वहां पे सफिशेंट नंबर्स ऑफ सावर्स एंड वॉशर्स रखना चाहिए आई वॉशर्स एक फ्लोर जिसके ऊपर यूजर खड़ा रहेगा उससे 83.8 थ्री एट से 134.6 सेंटीमीटर और 33 टू 53 थ्री के बीच में इंस्टॉल होना चाहिए उसके साथ वॉल से 6 इंचस डिस्टेंस में और 15.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इंस्टॉल होना चाहिए इमरजेंसी सावर्स यूजर स्टैंडिंग फ्लोर से 82 टू इंचेस से 96 सिक्स इंचेस के अंदर एक हाइट में रहना चाहिए हजारस वर्क स्टेशन वर्क वाश स्टेशन से 10 सेकंड दूरी में रहना चाहिए जो कि अप्रोक्सीमेटली 55 फाइव फीट्स होता है तो अभी उनके फीचर्स के बारे में देखेंगे एक प्लॉन्ड इमरजेंसी सावर 30 पी और पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर में 20 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट फिफ्टीन मिनट्स के लिए डिलीवर करता है सिमिलरली एक सेल्फ कंटेंट यूनिट ट्वेंटी गैलन ऑफ़ वाटर पर मिनट फिफ्टीन मिनट्स के लिए डिलीवर करता है एक प्लॉम्ब आई सावर थर्टी पी प्रेशर में थ्री पॉइंट जीरो जीरो गैलनस वाटर पर मिनट के हिसाब से फिफ्टीन मिनट के लिए डिलीवर करता है एक सेल्फ कंटेंट आई सावर भी थ्री पॉइंट जीरो ऑफ वाटर पर मिनट के हिसाब में फिफ्टीन मिनट के लिए डिलीवर करता है so now let's see about the temperature of fluids the temperature of the fluid should be between 60 degree fahrenheit to 100 degree fahrenheit so friends this is some useful information these are some useful informations about emergency showers and eye washers please watch like and share the video and subscribe my channel thank you